Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is biological classification. Okay, इसका जो previous chapter था वो था living world और उसमें हम ये जो taxonomy के बारे में already पढ़ चुके हैं, जिसमें मतलब क्या क्या आपका आता है identification, classification और nomenclature आता था। तो आज हम पढ़ेंगे biological classification। तो ये chapter को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम review कर लेते हैं। जो पहला chapter में आपका important था आपका taxonomical hierarchy, वो important था, तो उसको आप memorize करने के लिए मैं एक trick बताई थी। तो वो sentence क्या था आपका, keep pot clean और family cat sick। तो इसमें इस सेंटेंस की पहला लेटर आपका इंडिकेट करता है हायरार्की को। तो उस हिसाब से क्या होगा आपका हायरार्की का ऑर्डर, पहला आएगा आपका किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो आज पढ़ाई करेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग organism into groups and subgroup on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories. तो biological classification है क्या? एक scientific procedure है जहाँ पे हम organism को group, subgroup में divide करते हैं। ये इस group में belong करेगा, ये उस सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन कौन सी बेसिस पे करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ये चीज को हम ध्यान में रख के उनको क्लासिफाई करते हैं। तो उस क्लासिफाई जो हम करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट आया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो जान लेते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे कि अगर हम इसकी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टैक्सोनॉमी एड, तो उसमें वो जो एड था वो क्या आपको किस चीज में हेल्प करता था, कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करने के लिए हेल्प करता था। अगर कोई भी मतलब आप उस चीज से अननोन है पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आपको वो क्या करता था, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देता था। तो उसी के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। हम सारे ऑर्गेनिज्म को मतलब ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। ओके, स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। अगर हम किसी एक ग्रुप की एक ऑर्गेनिज्म, एक या दो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो उसी से हमें एक अंदाज लग जाता है कि उसी ग्रुप में जो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, बिलोंग करते हैं उस ग्रुप को, उनका जो फीचर्स होगा वो क्या होगा, सिमिलर रहेगा। हम अभी ना बोले ना कि जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को लेके हम ग्रुपिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें मतलब आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस ऑर्गेनिज्म अगर इस ग्रुप को बिलोंग करता है तो इसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ओके, ये हो गया क्या आपका पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमें सारी चीज को पढ़ तो नहीं सकते एक इंसान, मतलब बहुत मतलब बायोलॉजी जो है उसमें दिन भर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होता जाता है, जो इवोल्यूशन प्रोसेस में नए नए ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये हमें क्या करता है ना, हम आइडेंटिफाई कर पाए एक ऑर्गेनिज्म को, उस चीज में हमें ये हेल्प करता है। मैं पिछली क्लास में भी आपको मतलब बता चुकी थी कि जैसे आपको क्लास का एग्जाम्पल लेके कि हमारा ये बच्चे इस क्लास को बिलोंग करेंगे, इस सेक्शन को बिलोंग करेंगे, ऐसे क्यों किया जाता है, फिर उनका नाम जो रखा जाता है, ये सारे बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही चीज यहीं पे फिर लागू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया, ये क्या करता है ना, जो रिलेशनशिप रहता है इस ग्रुप में और उस ग्रुप में, दोनों ग्रुप में जो रिलेशनशिप रहता है और उस ग्रुप में डिफरेंट चीज क्या है, वो सारे चीज के बारे में हमें क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है, ठीक है। तो लास्ट आपका पॉइंट आ गया, ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडी विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा, तो हम एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर सपोज
कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आया तो क्या करेंगे हम, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस ग्रुप को मतलब बिलोंग करता है, किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में दिखा जाता है, उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका COVID-19 चल रहा है, तो ये कोरोना वायरस तो पहले से ही था, ये उसका दूसरा स्ट्रेन है, तो ये हमें हेल्प करता है ठीक है कि जानने में, आइडेंटिफाई करने में। ओके तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेसिकली तीन तरह की है ठीक है। एक हो गया आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो जूलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं उनका नाम आपको याद रखना है ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो होता है क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेके वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग किया जाता है, इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको एरिस्टोटल ने पहले दिए थे ठीक है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से वो किस हिसाब से ग्रुपिंग किए थे और क्लासिफाई किए थे, वो एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे ठीक है। तो एक हो गया आपका एनीमिया और एक होगा एनीमिया, वो एक है आपका एनीमिया और एक है एनीमिया। इसका मतलब जहां पे आपका ई है वो ग्रुप की ऑर्गेनिज्म में आपका रेड ब्लड सेल है ठीक है, और जहां पे ए लिखा हुआ है एनीमिया वहां पे क्या है आपका विदाउट रेड ब्लड सेल। तो इस बेसिस में अरिस्टोटल ने एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे ठीक है। उन्होंने फिर भी एक मतलब और एक कैटेगरी मतलब डिवीजन दिए थे क्लासिफिकेशन के बारे में, वो क्या था, वो था उनकी हैबिटेट को लेके, एक एक्वाटिक एनिमल, टेरिस्टेरियल एनिमल, इस हिसाब से उन्होंने वो क्लासिफाई किए थे ओके। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी जो है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीज आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये रिलेटिवली सेम है। पहला जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वहां पे ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके डिवाइड किया जाता है, लेकिन जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया वहां पे कंपैरिजन किया जाता है, मतलब एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे कंसिडर किया जाता था ठीक है। तो कंपेरेबल स्टडी किया जाता था सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। तो ये आपका जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, इसी यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटीज है, डिसिमिलैरिटीज को लिया जाता था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका होमोलॉजी, मोलिकुलर होमोलॉजी, ये सारे टर्म आया था ओके। तो आपका जो लास्ट है वो है आपकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आपको याद होगा मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या था आपका, जो कैरोलस लिनायस ने एक तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी उनको बोला जाता था, तो वो एक टैक्सोनॉमी दिए थे, उनका तो एक ग्रुप था, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एक चीज ऐड की थी कि वो सारी चीज के साथ साथ एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम जोड़ दिए थे, जो कि हम बोल रहे थे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ये क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओके। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट और की वर्ड है वो है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओके। तो ये हो गया आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपका तरह उसका भी वेराइटीज है और ग्रुपिंग है, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या आपका आता है, फाइलोजेनेटिक में आपका एक साइटोटैक्सोनॉमी आता है ठीक है, फिर आपका केमोटैक्सोनॉमी भी इसके अंदर ही आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी इसके अंदर आता है ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर ही आता है। तो आपका जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो क्या है ना, वो आपका कॉम्पेरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी, मतलब क्या है, सेल के अंदर क्या क्या चीज है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, स्ट्रक्चर क्या है, उनका मियोटिक बिहेवियर किस तरह की है, जो मियोटिक डिवीजन होता है, वो सारी चीज आप साइटोटैक्सोनॉमी में पढ़ सकते हैं। और केमोटैक्सोनॉमी क्या होते हैं, आपका बायोकेमिकल सिस्टमेटिक को लेके, मतलब कि जो एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए सीक्वेंस हो गया, जो सिंथेसिस होता है उसके बेसिस पे जो आपको
कैटेगरी करके स्टडी करते हैं, वो हो गया आपका केमोटैक्सोनॉमी। और फिर आपका नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रिमिटिव हैं और एंसेस्टर हैं, कितनी परसेंट सिमिलैरिटीज, कितनी परसेंट डिसिमिलैरिटीज, ये सारे चीज को जो हम जब हम स्टडी करते हैं वो आता है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंडर। ठीक है, तो ये जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका, ये हो गया, आपको पता चल गया आपका आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया, नेचुरल सिस्टम हो गया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो गया। तो अब कितने टाइप के जो क्लासिफिकेशन है तरह तरह की, तो वो किंगडम सिस्टम में आया। तो वो कितनी तरह की मतलब सिस्टम है और किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, और उसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड के लिए टू थ्री फोर फाइव एनएफ है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के तक हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसने दिए थे, ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पहले कैरोलस लिनायस ने ही दिए थे। ठीक है, तो ये क्या, इन्होंने क्या किए थे कि मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को एक प्लांट किंगडम एक एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं था, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमालिया था। लेकिन वहां पे जो ड्रॉबैक क्या क्या हुआ, तो पहले अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन है फिर थ्री किंगडम क्यों आया, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी जो लेटर वो ठीक किया गया। तो उसी हिसाब से जो ड्रॉबैक रह गया था और जो गड़बड़ी रह गई थी उसको हम ड्रॉबैक बोलते हैं। तो उस हिसाब से ड्रॉबैक क्या क्या है, तो आपका पहला देखिए, वहां पे तो एक एनिमल ग्रुप एक प्लांट ग्रुप एनिमालिया प्लांटिया करती, तो वहां पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इसके बारे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स, उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया था। जैसे कि आपका प्लांट हो गए ऑटोट्रॉप्स, तो उनको तो अलग नहीं किया गया था। फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। ओके, और एक चीज है आपका जैसे यूग्लिना, उसमें क्या प्लांट और एनिमल दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, वो प्लांट की तरह अपना फूड खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉपिक है, और एनिमल की तरह उसके पास उसके मतलब सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होता, तो उसमें भी नहीं है। तो उस तरह की जो एक्सेप्शनल केस हो गया उनके लिए भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था और कोई ग्रुप नहीं किया गया था। तो ये है आपका टू किंगडम सिस्टम की जो ड्रॉबैक है। तो याद रखिए जो लेटर हम सब पढ़ते पढ़ते जाएंगे थ्री किंगडम फोर किंगडम, उसमें भी यही सब चीज ये आएगा ड्रॉबैक में। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई होके कुछ हो गया होगा, उसी हिसाब से आप याद रख लेंगे कि सारी किंगडम में आपके ड्रॉबैक क्या क्या है। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे, वो कैरोलस लिनायस ने ही दिए थे। ओके, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ओके, तो इनका जो था मेन मोटिव वो कौन सी बेसिस में वो किए थे, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के एब्सेंस को लेके वो दो कैटेगरी किए थे, प्लांटिया एंड एनिमालिया। तो प्लांट सेल जितना भी होता है उनमें सेल वॉल होता है, और जो एनिमल सेल होता है उनमें सेल वॉल नहीं होता है। तो उसी के लिए मैं एक्सेप्शनल केस बता दिया आपको कि यूग्लिना का। ठीक है, तो थ्री, फिर आपका आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे, अर्नेस्ट हेकेल ने, और कब दिए थे, 1866 में। अब इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, उन्होंने वो एक और जो ग्रुप हो गया वो ऐड कर लिए प्रोटिस्टा के। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो हो गया आपका वो प्रोटिस्टा एक और ग्रुप वो ऐड कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी उसी तरह की एक मतलब प्रॉब्लम आया, वो क्या है, जैसे कि फंजाई, उनको कहाँ पे रखे, उसका नाम उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किए थे, तो फिर उसमें भी उसी तरह से मतलब कुछ मतलब वहां पे क्लियर नहीं था प्रोकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में कुछ भी क्लियरेंस नहीं था। तो उसी के लिए फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सिर्फ ये जो है इनके नाम अर्नेस्ट हेकेल और ये ईयर 1866 में, ये आपको याद रखना है। और किस चीज को वो ऐड किए थे, किस कौन सी ग्रुप को, प्रोटिस्टा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर आ गया आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे
जो है उनका नाम याद रखना है वो है कोपलैंड, और कौन सी ईयर में दिए थे, वो 1956 में, ये चीज आपको याद रखना है ठीक है। और वो कौन से नए ग्रुप ऐड किए थे, वो हो गया आपका मोनेरा, मोनेरा को वो ऐड किए थे ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा किंगडम मतलब क्लासिफिकेशन में माना जाता है वो है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपका नेट में भी आता है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है ठीक है। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या है, उसको किसने दिए थे, आर एच हुईटेकर ने, और कब दिए थे, 1969 में, इसको आप जरूर याद रखिए ठीक है। तो इनके हिसाब से ये क्या किए ना, जो भी ड्रॉबैक रहते रहते आ गया वो उस ड्रॉबैक को नजर में रख के एक अच्छा सा फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन बोलते हैं वो एकदम अच्छे से दिए ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या है, वो जो पांच ग्रुप में वो डिवाइड किए, पांच ग्रुप है ना, तो उसी के लिए हम फाइव किंगडम बोलते हैं ओके। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने फंजाई को भी ऐड किए ठीक है। तो ये देखिए आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये प्लांटिया और एनिमालिया, इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई हूँ। देखिए मम्मा पापा फ्रेंड एंड आवर पेरेंट्स ओके। तो मम्मा से एम आपका डिनोट करता है मोनेरा, पी प्रोटिस्टा, एफ फंजाई एंड पी प्लांटिया एंड ए एनिमेलिया ओके। इस सेंटेंस को भी आप याद रख सकते हैं, अगर आपका अगर ये याद नहीं रहता है ये पांचों ग्रुप मतलब क्या क्या है, तो आप इस हिसाब से मम्मा पापा फ्रेंड्स वो आपस में फ्रेंड ही होते हैं और हमारे क्या पेरेंट ही होते हैं, उसी हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं कि मम्मा पापा फ्रेंड एंड पेरेंट्स ओके। तो एम क्या हो गया आपका मोनेरा, यहाँ पे एक चीज आप एकदम से अच्छे से देख लीजिए, जो मोनेरा है वो यूनिसेल्युलर ही है ओके, वो यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोट्स हैं ओके। मोनेरा के बाद आप याद रखिए, मोनेरा के बाद बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं ओके, ओनली मोनेरा ही है आपका प्रोकैरियोट ओके। उसी तरह यूनिसेल्युलर कौन कौन है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इसको याद रखिए ओके। तो अगर मम्मा पापा जहां पे हम लिखे हैं ये हो गए अकेले यूनिसेल्युलर ओके, यूनिक ही है सबका, मम्मा पापा यूनिक होते हैं ना हमारे लिए, तो उसी हिसाब से ये हो गया आपका यूनिसेल्युलर, मोनेरा और प्रोटिस्टा वो हो गए यूनिसेल्युलर ओके। बाकी जितने रहे वो हो गए मल्टीसेल्युलर, और प्रोकैरियोट्स ओनली एक ही होते हैं, वो होते हैं आपका मोनेरा ओके, बाकी सारे आपका यूकैरियोट्स होते हैं ओके। तो ये है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसको किसने दिए थे, आर एच हुईटेकर ने दिए थे, कब दिए थे, 1969 में ओके। इसको आप याद रखिए, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे ओके। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म उनके वहां पे आते हैं, ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे, और हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है, क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गया था ठीक है, उसी के लिए आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जहाँ पे आपका जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से दिया गया था ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।